एक बार फिर विदेश में पीएम मोदी का डंका बजा है। इस बार रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार भारत और रूस के रिश्ते को मजबूत करने के लिए दिया है। पहली बार किसी भारतीय को ये सम्मान मिला है। इससे पहले भी पीएम मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में यूएई ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल अवार्ड देने का ऐलान किया था। जायद मेडल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला यूएई का सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को इसी साल 22 फरवरी को दक्षिण कोरिया के सियोल में 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्लोबल आर्थिक प्रगति और भारत के लोगों के मानव विकास को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए दिया गया। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को राजधानी दिल्ली में एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण संबंधित पुरस्कार UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। इससे पहले फलस्तीन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमनुल्ला खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जून 2016 को हेरात में ऐतिहासिक अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया।